नमस्कार, स्पेशल कवरेज न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल को लेकर फैसला हो गया था, लेकिन अब संसद सत्र को लेकर और लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर घमासान मच गया है। मंत्रिमंडल बंटवारे में हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने प्रमुख मंत्रालय, जिससे सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अपने पास ही रखा, जबकि दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों जो कि जिसमें मुख्य रूप से जेडीयू और टीडीपी जो कि किंग मेकर की भूमिका में है, उनको भी कुछ खास तवज्जो नहीं मिली। लेकिन अब स्पीकर को लेकर घमासान छिड़ गया है। अंदरूनी रूप से एनडीए के घटक दल स्पीकर को लेकर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिए हैं। खासतौर पर टीडीपी के द्वारा स्पीकर पद मांगने को लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन के टीडीपी या जेडीयू को स्पीकर का पद मिले, इसको लेकर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मोदी सरकार पर हावी है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से स्पष्ट चेतावनी भी दी जा चुकी है कि अगर उसे डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वह स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार लोकसभा में उतारेगा और चुनाव के बाद ही यह तय होगा कि किस दल से स्पीकर बनेगा। तो वहीं टीडीपी भी लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रही है। टीडीपी लगातार यह मांग कर रही है कि उसे स्पीकर का पद दिया जाए। दूसरी तरफ जेडीयू की ओर से हालांकि संकेत दिया गया है कि सत्तारूढ़ दल के पास ही स्पीकर का पद जाता है, लेकिन एनडीए में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और इंडिया के हावी होते रूप को देखकर एनडीए ने आनन फानन में बड़ी बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज पर यह बैठक हुई है। जी हां, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही यह दावा कर दिया कि गलती से सरकार बन गई है और कभी भी गिर सकती है। तो दूसरी तरफ स्पीकर को लेकर घमासान मचा है। अब विकराल रूप यह लेता जा रहा है, एनडीए को आनन फानन में मीटिंग बुलाना पड़ी है। दरअसल 24 जून से देश के अंदर 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जेडीयू के लल्लन सिंह, एलजेपी नेता चिराग पासवान भी मौजूद रहे। इसके अलावा टीडीपी के नेता भी बैठक में मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले किरण रिजिजू ने रविवार को निवर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री को नए दायित्व की शुभकामनाएं दी। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा का सत्र 27 जून से बुलाया जाएगा। सत्र के पहले दिन 9 निर्वाचित सांसद शपथ लेंगे, दूसरे दिन भी शपथ ग्रहण होगा। दूसरे दिन यानी 25 जून तक लोकसभा स्पीकर पद के लिए नाम दिए जा सकेंगे। इसके अलावा 26 जून को स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। स्पीकर का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी सत्र में मोदी सरकार डिजिटल बिल भी लेकर आ सकती है। वहीं विपक्ष ने भी डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावा ठोक दिया है। बताया जा रहा है इंडी गठबंधन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें ही मिली हैं, वहीं बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। इंडी गठबंधन को 234 सीटें मिली। ऐसे में ये आनन फानन में एनडीए की मीटिंग है और क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तैयार की जा रही है, क्या इंडी गठबंधन स्पीकर पद पर दाव ठोकेगा या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।